गुरद्वारा खालसा दवान हांगकोंग मेरे नाल बैठे आ बहुत ही सियानी उम्र के सूझवान बजुर्ग साथी जिहड़े पिछले लंबे समय तो हांगकोंग रह रहे ते इन्हां दे हांगकोंग प्रति विचार जानने आ गुरद्वारा साहब बारे इन्हां को जानकारी लैनी आ जहाज कामा काटा मारू सारे ने पढ़िया होया सुनिया होया फिर भुल गए सी अज वो यादा ताजिया करोगे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी का फतेह। बापू जी की नाम तुहाडा? गुरचरण सिंह पुंचरा दे जिहड़ा पिंड पुंचरा कहड़े डिस्ट्रिक्ट ये अमृतसर जिथे सुरसन लागे पैंदा चबाड़ लागे चबाड़ दे लागे बापू जी साहब ने। ठीक है जी। तो तुसीं जिहड़ा फस्ट टाइम कदों हांगकोंग आए? 1966। ठीक है जी। तो फिर कल्ले आए कि पूरा परिवार आया सी? नहीं पहले मैं कला हाँ, मेरा चाचा जी इतनी चंगेज रही सारा परिवार तकरीबन 1900 लागे बने का साड़ी सारी पिंड बाप भी ताया भी चाचा भी सारे पुलिस अफसर से ते वो अभी 1945 जो सैकड़ वाट हटी आ हटी उदो मैं 6 साल का हाँ। तो साड़ा पहला जहाज इंडिया गया फ्री गौरमेंट आख्या जेडे फ्री सारे जान के पांच मैंबर फैमिली वाले तो मेरा चाचा किसी कला वो उत्थे रह गया सिंगल सीगा चंगाई दे जो गए तो 1945 गए तो वो इतने आ गया 1960 इतने आ गया जो कम्युनिस्ट का ज़्यादा जोर पै गया कम्युनिस्ट का जो आ गया चीन के उदो उन्होंने जो अपने इंडियन आदमी से उत्थे कुछ अपने आप इंडिया चले गए जे कुछ जोड़े से बहुत इतने भेज के उन्हें चीन के बार्डर तो पास करके जोड़े रह गए से वो भी उदू बाद हाथ जोड़ के निकले उस रहना बड़ा मुश्किल बन गया। असं चल गए 1945 वापस तो उत्थे जाके मुड़के मैं मेरा चाचा जेडे इतने उन्हें मैं 1966 तो बजुर्ग से मैं बगाला चुका मेरे को उदो मैं 26 साल का हाँ। उदू आने बाद मैं अप टू डेट हूँ मैं 6-18 का मैं रिटायर होया अमरीकन कंपनी से तिन्न अमरीकन तिना ची मैं 20-20 साल नौकरी की दफ्तर असिस्टेंट की। ठीक है जी। तो मतलब पिछले भी जो हांगकांग वास्ते पुछो इतने रहने दी साडे वास्ते इन्नी सहूलत है कि जी दसों तो बाद जी इंडिया सुपर भी मिल सकती फ्री एजुकेशन फ्री एडी मैडिकल ट्रीटमेंट हर साल कोई पैसा नहीं दवाई ना फ्री है तो इस रहने की सेफ्टी पूरी आ। दूजी जी इत हर आदमी घर भी हर चीज़ मिलती है कोई आदमी ये नहीं आ सकता हांगकांग मैं बजुर्ग हाँ मेरे परिवार से गौरमेंट में चलती है हर तरह इतने 1954 जरा जो पहला जहाज चलिया इतों भाई कर बापू गुरदेव तो सरहड़ी वाले वो सिंगापुर इतने लेके जहाज आए थे इतों जो कनेडा ने आख्या भी जिन्हें कनेडा आना वो सीधा अपना जहाज लेके आ सकता पहले उन्हें मोड़ता है सारे उन्हें फिर कराया तो जहाज लेके व्यापार सिंगापुर काम करते इतने लिया ये जरा गुरुद्वारे इतिहासक बन चुका काम काटू करके बाबू गुरदेव सिंह जरा बहुत एक सब सुलझा लीडर सिखा का सिंगापुर का वो मेरे पुचर रिलेशन से भैन साढ़े पिंड सी बाबे छोटे भरा ने मक्खण सुन मैं कलकत्ते मिलके भी आया होने लगा कलकत्ते चलिया बहुत गांह का बंदा सी इतने आने तो बाद मुड़ के जरा आड़ा हाड़ा गुरद्वारा एक किस्म का साड़ी सिख कौम के इतिहासक बन गया ये गुरुद्वारा पहला जो 1900 बने 100 साल बाद हम जो हूँ गुरुद्वारा बनया है ये साड़ी हांगकांग निकी जी कम्यूनिटी ने इन्ना क वड्डी तरक्की करके इन्ना योगदान पाया सानू किसे झाक नहीं पी बारों पह लिए। ठीक है। इन्नी संगत ने सेवा किया मैं 52 साल नौकरी की कंटिन्यू। ठीक है। तो इतने भी मतलब साढ़ा तो मैं तो ना कनेडा की जरा इंडिया कनेडा बनया इतने आके जो कुछ खटिया कमाया एक दिन भी सा मिस नहीं हो कोई सानू किसी इतने कोई खर इंडिपेंडेंट रह रहे हैं कोई इसे कहता किसी पंच मिनट नहीं कुछ भी है नहीं कानून साढ़ा साथ देता कोई सा नफरत नहीं बेच इंडियन थोड़े ने साढ़े उन्नी कीमत है जिनी कि कीमत है हूँ भी अं रह रहे हैं अं इंडिया के रहन जी एक दिन भी आने जी करता हूँ भी उतो हाँ पर करिए कि उत्थे रहना इन्ना हो गया भी पिंडा वाले भी जड़े वो भी वेख के खुश नहीं पी आके तो उस इन्ना लटेरा चल पिया नशे चल पिया ये सब कुछ हटेगा ये नहीं कुछ है नहीं कोई इतने भुखा नहीं मरता पर उसे साढ़े बहर जो लोग जाते हैं बहुत वो खतरे तो खाली नहीं गए हूँ भी इतने जो कुछ अं सौखे हाँ जिन्ना खुश हाँ मैंने हिंदुस्तान मैं इंडिया में जाके आना जिन्हें सतजोग वेखना हांगकांग आ गए
कानून के तरफों काम के तरफों रहने के तरफों हर एक कोल कर कोई आप काम ना करे भी ना ना करे कोई इस काम की कमी नहीं है। जड़े बंदे आते हैं मेहनत आ के फिरते नौ नौजवान आए ने जो मैंने भी करोगे की 2000 साल गौरमेंट तरफ देता करोगी जिंदगी अपनी और लूज कर रहे हैं कोई इतने उन्होंने आने का फायदा नहीं गा वो ना रब करके इतने वो बचे रहन पिछे मैं जाके वेखो ना कोई काम का घाटा उसे काम नहीं करते कनेडा भज के उधर भज इंडिया की नहीं पंजाब की नहीं सब कुछ है नशे से लग गए लोग नशे जड़ पुटती आ तो दुनिया माँ पर दुखी बैठा भी कुछ निकल गया कुछ बइया मान लिया तो दूजे जोड़े वो काम करके ही कुछ नहीं उसे असं हम इतने मेरी उम्र भाई कि होगी मैं इस वे 86 साल को पहुंचना 85 टपया पर मैं इनू इन्नी खुशी आ भी मैं जो कुछ इतों कटिया वो सारे इंडिया यूनीवर्सिटी पढ़ के भी नाम समझा बड़े चंगे बंद सियाण गोरिया नौकरियां सारी कीतियां जो कुछ इतने सीखा इंडिया यूनीवर्सिटी से नहीं अं सीख सकते हर आदमी रहने की उम्मीद है हर आदमी कमाई काम की खोलिया हर आदमी को अपनी इंडिपेंडेंट रह रहा इतने गुरद्वारा साढ़ा योजा इतने आई इतने को जोड़ा जिदन गुरद्वारा खोला पता सब पता उदा आया से गवर्नर वो भी मान गया भी इन्नी निकी जी कमेटी ने इन्नी वी चीज बना के 200 मिलियन लाया और बंगा साहब इतने जो साढ़े ने उन्हें जो इतने योगदान पाया हो सकता अं सारे सिख बनाने पास की 55 मिलियन कल ने दिता ठीक है जी। और कोई बंदा होगा चंद बंदे जिन्हें इतने योगदान नहीं पाया असं चलो दस सोड़े पाए जो अज तक अप टू डेट देने और मेरा अपना तजर्बा मैं जिन्ना चेर जीना जिन्ना चेर मेरा काम सही चलू मैं जरूर गुरुद्वारा अपने हिस्सा पाँगा रहूँगा ये तो सारा फर्ज बनता जो कुछ गुरुद्वारा जहाँ गुरुद्वारा उसे साढ़ा रहने का हक पहली बार गुरुद्वारा साहब को हांगकांग के कदों बने पहली बार गुरुद्वारा 1900 के लागे 1901 के लागे 1900 के लागे बुर्जी लगी नहीं थले ठीक है जी। आज जी नवी इमारतें बनी हैं ये कदों बन गई हाँ ये तकरीबन जो काम सारा शुरू 80 तो बाद ही हुआ शुरू 80 के बाद पहले बिजली बनी हैगी सी हुण असीं इसे बिल्डिंग का इन्ना काम कि इन्नी तनखा लोग उसे महीने की ला सी इस दिहाड़ी से लैंड काम करके हांगकांग बहुत टॉप दी बहुत सोहनी साडे गुरुद्वारे एक मैं उत्थे भी जागदा हां एक रिकॉर्ड आ कोई इत्थे एक पैसे दा भी रवादार बड़ा कमेटी वाला जां पब्लिक वाला है नहीं भी इत्थों कि किसे दा खाण नूं आखे मैं इत्थों आ करना करना सब लॉयल्टी आ कमेटी के कुछ मैंबर के नाम दसो प्रधान प्रधान भगत सिंह सैकटरी साडा जसकरण सिंह खजानची साडा मनदीप सिंह मीत प्रधान संतोख सिंह मुंडी पिंड अपने बोट जुझार सिंह तो अपने अपने बत्रा साहब बिल्डिंग कमेटी का सैकटरी हाँ सैकटरी नहीं पिछले करीबन सू 14 साल लग गए इस बिल्डिंग बनते हैं ठीक है तो 14 साल ही मतलब मैं सैकटरी रहा वहाँ तो यह साहिब गुरचरण सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इतने असी बिल्डिंग बनाई है इस दाते की बड़ी रहमत हुई है इस जिस वेले असी शुरू किया है तो साडा आइडिया उस वेले सी भी 80 मिलियन के आप मतलब जरा ना 2-36 बिल्डिंग बना लाँगे तो लेकिन जो मतलब बननी शुरू हुई उस बंगा साहब जिस तरह भाई जी भाई साहब ने कहा बंगा साहब जोड़े ने शायद मैं तुम दसद इन्ह का नाँ हरिंद्रपाल सिंह बंगा है तो शायद बंगला बंगा पिंड के ने पिछों इन्नी महाराज की बख्शिश है उन्होंने शिपिंग का काम है वो मतलब साढ़े मतलब जोड़े ने बिल्डिंग कमेटी के आए उन्होंने आने के नाल साड़ी बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में इन्नी बूस्ट मिली कि हर काम उन्होंने कहने लगे भी चंगा करो बेहतर करो ये बिल्डिंगा बार बार नहीं बन रही सोहने तो सोहनी चीज़ बनवाओ तो उस करके इस बिल्डिंग से साड़ा खर्च 220 मिलियन आया है खर्च तो प्रभु जानता साढ़े को सरमाया नहीं है तो कितों आया सानू आप समझ आती मैं मतलब जो है मैं उस वेले ट्राई की बीइंग एक्स बैंकर तो असी कोशिश की भी असी किसी बैंक को लिमिट ले ली है इंडियन ओवरसीज बैंक को अप्रोच किया इंडियन ओवरसीज बैंक ने सानू $30 मिलियन की लिमिट दे दी खुशी की गल है एक पैसा एक सिंगल डॉलर असी उस लिमिट दे के इस यूज नहीं किया सारा पैसा गुरु महाराज ने कितों भेजे कोई संगतों का योगदान कोई कर महाराज की इन्नी बख्शिश हुई है कि मतलब जो है ना एक पैसे का भी लोन असी बैंकों नहीं लिया एज ऑफ टूडे एक भी पैसा असी किसी भी अथॉरिटी का देना नहीं है तो इन्नी महाराज की बख्शिश हो गई है हुण नाल दा जो पुरानी हुण बिल्डिंग हो गई बहुत पुरानी तो नहीं है बट हो गई है क्योंकि हुण नवी ये बन गई है ना उन्होंने शुरू कर लगे हाँ
ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 15 million ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਬਣਾਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਓ, 5 million ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਤੋਂ ਸਰਦਾ ਪੁਰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਗੁਰਸੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਲ $30,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ, ਗੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਗਈ ਹੈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੋ ਸਿੰਧੀ ਦਾ, ਸਿੰਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਨਾਮ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 lakh ਦਾ ਚੈੱਕ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ 1 lakh ਸਾਨੂੰ ਇਹ 7.5 lakh ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ 7.5 lakh ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਭਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਥੋਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਦੀਦੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਿੰਗਲਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਗਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਦਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਮਨ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 7.5 lakh rupees ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਮਰਜ ਦਸ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਹਾਂ ਭੇਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੀ ਜੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ 1 number 'ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚੌਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸੈਰੀ ਉਭਰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀਠਾਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ 2-4 ਦੇ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਆ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਕੰਟਰੀਆਂ ਘੁੰਮ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 27 ਕੰਟਰੀਆਂ ਘੁੰਮ ਲਈਆਂ, 27 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਏਜੰਟ ਉਹ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਲੁੱਟਣ ਡਿਆ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਦਰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ID ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਨਲੀਗਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਲਟਾ ਕਾਂਡ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਂਕੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ,
जो कर सकते होंगे तो सारा पंजाब बाहर ले जाते तो इस करके कुछ हर मुल्क के रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो कानून के रहना होंगे तो इस करके अपने रिश्तेदार ना कोसो भी वो साढ़े लिए कुछ नहीं करते क्योंकि वो नवे नवे बड़े कानूनों मुताबक कुछ नहीं कर सकते होंगे तो जाना तो वर्क परमिट लवो जोड़ा लीगल काम है कोई काम सीखो कोई कोर्स करो कोई डिग्री करो तो पूरा वर्ल्ड खुला है पंजाबियों वास्ते सारे हर हर देश तो दूजे देश तक जाने वास्ते रास्ते खुले आ लेकिन लीगल और साढ़े कोई कैटागरी तो होम असी सीखते कोई नहीं काम असी पंजाब वाले करते कोई नहीं तो अभी अपने रिश्तेदार कोशिश जाने भी बाहर रिश्तेदार बैठे आ सू बुला नहीं तो वो बुला ही नहीं सकते किमें बुला लेंगे तो सो पंजाबी लोग जो साढ़े है इंडिया के लोग इस वीडियो का जोड़ा है मैसेज तो कुछ ना कुछ जरूर फायदा लैन गए तो धन्यवाद थैंक यू तो वो इदा कहते हैं।